यहाँ रखा, उन्होंने कहा है कि बुलडोजर जो है वो उपचार है, दुष्टों का भी और विकास का भी उपचार है। बिल्कुल यथार्थ है इस बात में, बुलडोजर से ही विकास कार्य आगे भी बढ़ता है, नए निर्माण की नींव भी खुदाई होती है और जो असामाजिक तत्व हैं उनका भी सर्वनाश बुलडोजर से किया जाता है। सरकार पर काफी तुष्टिकरण के आरोप उन्होंने लगाए, किस तरह से तुष्टिकरण आप देखते हैं, किस तरह का तुष्टिकरण? ये तो जग विदित है कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में तुष्टिकरण की सभी प्रकाष्ठाओं को गहलोत सरकार ने पार किया है, चाहे आप हमारी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध की बात हो और चाहे जयपुर के अंदर या जोधपुर के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने फतवा जारी कर रमजान के महीने पर लाइट बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रखी जाए, PFI को परमिशन देने की बात हो, करौली हिंसा की आज तक उन जो लोग हिंसा में शामिल थे उनको आज तक पकड़ा नहीं गया हो, और इन चीज़ों के आगे बढ़कर कन्हैया की हत्या हुई, 5 लाख रुपये मुआवजा, रोड एक्सीडेंट में जयपुर में एक युवक मारा जाता है 50 लाख रुपए मुआवजा, गो तस्कर हरियाणा में उसका मर्डर हो जाता है उसके घर जाकर 25 लाख रुपए मुआवजा, और दूसरी तरफ जो हमारी सैनिकों की वीरांगनाएं हैं वो मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठी बैठी थक जाती हैं और पुलिस उनको घसीट घसीट कर जंगल में छोड़ के आती है, तो ये तुष्टिकरण की राजनीति और क्या है। महिला अपराध और गो रक्षा को भी एक बड़ा मुद्दा आप इस क्षेत्र में बना रहे हैं। निश्चित रूप से आज महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है, ये कांग्रेस जिस प्रकार से लोकसभा में मणिपुर की घटना पर बात कर रही थी तो राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा के अंदर एक बहन को जिस प्रकार के से निवस्त्र कर उसको बाजार में घुमाया गया, राजस्थान सरकार को उसी समय पर त्यागपत्र देकर उनको डूब मर जाना चाहिए। योगी जी की बुलडोजर पॉलिटिक्स यहाँ राजस्थान में भी चलेगी? बुलडोजर पॉलिटिक्स नहीं है, बुलडोजर न्याय है, बुलडोजर विकास का प्रतीक है। BJP के प्रत्याशी के तौर पर बाबा बालकनाथ ने यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, साथ ही साथ में उन्होंने सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के हमला भी बोला है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18।